नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर का हो जाता है एजुकेशन का थर्ड पेपर, जो हमारा आगरा यूनिवर्सिटी हो जाती है उसमें जो सेकेंड पेपर है अपना एजुकेशन का, वो क्या रहने वाला है, एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू हो जाता है सेकेंड पेपर। तो इसको क्या करना है, इसका जो नोट्स दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है नोट्स इसका, है ना। नोट्स कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है नोट्स का, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। और बात करते हैं, ये थ्योरी वाइज आता है बीएससी सेकेंड का एजुकेशन का थर्ड पेपर, इसका भी नोट्स कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनको तो आपको पढ़ ही लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाला है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यू वाले नोट्स बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा और थ्योरी वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, अपने जो आपने जो लिख ले रखा है, ठीक है, सीरीज ले रखी है, या फिर कह सकते हैं कोई भी गैस पेपर है या फिर बुक है, तो उसमें क्या करना है, टिक लगा लेना है और वही सारे के सारे क्वेश्चन याद करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर। एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, देखा है, निर्देश से आप क्या समझते हैं, निर्देश के, निर्देश से मतलब निर्देश का मूलभूत सिद्धांत के बारे में बताना है, इसके प्रकार क्या होते हैं और निर्देश से आप क्या समझते हैं इसके बारे में, ठीक है, इसकी उपयोगिता और महत्व के बारे में बताना। एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है शैक्षिक निर्देश क्या होता है, इसके महत्व सिद्धांत और व्यवसायिक निर्देश और उसके उद्देश्य के बारे में यहां पर बताना है, ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां देखा है तुम्हारा पारिवारिक निर्देश क्या होता है, उपयोगिता, उद्देश्य और इसकी प्रक्रिया जो थी उसके बारे में डिटेल में यहां पर लिखना है। हाइडिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अगर आपकी हाइडिंग कंप्लीट नहीं है तो आपके एग्जाम में कम नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, आपकी जो बुकशीट होगी उसमें कम नंबर दिए जाएंगे। अगर आपकी हाइडिंग अच्छी है तो आपको, चाहे आपने थ्योरी कैसी भी लिखी हो, मगर हाइडिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा है विद्यालय निर्देश संगठन, विद्यालय निर्देश क्या है, इसके संगठन निर्देश कार्यक्रम में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समूह निर्देश क्या होते हैं, परामर्श प्रकार और चरण और इसके लक्ष्य के बारे में बताना है। समूह निर्देश है क्या, इसके बारे में परामर्श, इसके परामर्श किस दिए हैं और आपका हो जाता है प्रकार, ठीक है, चरण और लक्ष्य के बारे में आपको ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परामर्श और निर्देश में किस प्रकार भेद किया जा सकता है, जो परामर्श और निर्देश है उसमें किस प्रकार से भेद किया जा सकता है, इसके बारे में ध्यान से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात का अंतर भी पूछ सकता है। और यहां देखो, विद्यालय निर्देश सेवा संगठन, विद्यालय निर्देश सेवा संगठन क्या है, सिद्धांत इसके, और देखा है निर्देशक की परिभाषाएं जो होती है ना, निर्देशक की परिभाषाएं और इसका वर्गीकरण कीजिएगा, कौन कौन से हैं, हेडिंग याद कर लेना है, ठीक है सभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो यहां रखा है शैक्षिक निर्देश का अर्थ क्या होता है, विशेषताएं, परिभाषाएं, महत्व और क्षेत्र के बारे में इसको देख लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देश में अंतर व संबंध स्पष्ट आपको करना है, जो शैक्षिक व व्यवसायिक निर्देश होता है उसमें अंतर और संबंध को आपको स्पष्ट करना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। बात करते हैं निर्देश में परामर्शदाता की क्या भूमिका है, विशेषताएं इनकी, परामर्श की परिभाषित करना है, इसको परिभाषित भी करना है साथ में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है। तो यहां पर इतने क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बजाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। विद्यालय निर्देश सेवा संगठन में प्रचलित प्रारूपों का संक्षेप आपको बताना है, ठीक है, और बात संक्षेप में बताना है, ठीक है। विद्यालय निर्देश सेवा संगठन में प्रचलित प्रारूपों को संक्षेप में आपको यहां पर दर्शाना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्देश के ऐतिहासिक विकास का भी वर्णन आपको करना है, भारत में निर्देश के ऐतिहासिक विकास का वर्णन भी आपको बहुत ध्यान से देख लेना है, इसकी हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण। तो इतने ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी आपका नहीं जाने वाला है। तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूं, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट सभी लेते हुए बिल्कुल ठीक है। यहां पर आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं बीएससी बीए सेकेंड ईयर का एजुकेशन का थर्ड पेपर, ठीक है। और जो सेकेंड पेपर है वो कैसा रहने वाला है एजुकेशन का, वो रहने वाला है अपना एमसीक्यू। तो एमसीक्यू का नोट्स कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एमसीक्यू का नोट्स कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और आपका थ्योरी वाइज भी नोट कहां पे हैं वो भी डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, सभी को डाउनलोड करना, अच्छी प्रकार से पढ़ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।